हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेली सावले और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज फिर से एक नया और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम फिर से दो कार्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, बट ये कंपैरिजन थोड़ा अलग है क्योंकि ये दोनों ही कार्स मेड इन इंडिया कार्स है और मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे 135 करोड़ इंडियंस के लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है कि इंडिया में ऐसी अच्छी वाली गाड़ियां भी बनती है। तो भाई, सबसे पहली जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की तरफ से आने वाली काफी ज्यादा पॉपुलर एक्सयूवी 500। और जो दूसरी कार है वो है टाटा की तरफ से आने वाली, टाटा की मोस्ट फेवरेट कार टाटा हैरियर। दोनों की प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सिर्फ 40,000 रुपए का फर्क है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों में से कौन बेस्ट है। वैसे दोनों ही बेस्ट है, बट दोनों में से कौन ऑल द बेस्ट है। तो भाई, इस वीडियो को पूरा देखो और ऐसा ही डेली और अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट साथ में एनर्जी के साथ में कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर SUVs की बात की जाए तो इंडिया जैसी रोड कंडीशंस में जहां के लोगों को पावर की एक तरीके से तलब लगी होती है, तो वहां SUVs काफी अच्छा परफॉर्म करती है। बट हर बार SUVs के साथ क्या होता है कि SUVs का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में कम सीसी की SUVs पे आपको कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी ही दो SUVs है जिसमें से एक जो महिंद्रा XUV 500 है उसका प्राइसिंग निकल के आता है 13.27 लाख रुपीस, यानी कि 13.3 लाख रुपीस, जो कि भाई इस प्राइस रेंज में ऐसी 7 सीटर कार प्रोवाइड करना कोई भी कंपनी ये चीज नहीं कर सकती। और इंडिया में ही स्पेशली ऐसी गाड़ी आती है, बाकी आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो भाई ऐसी गाड़ियां अच्छे वाले सीसी के साथ और ऐसी फैसिलिटीज के साथ नहीं देखने को मिलती। और टाटा हैरियर की बात करें तो इंडियन कार में इतने अच्छे फीचर्स ऐड करके और उसकी प्राइसिंग की बात करें तो 13.7 लाख रुपीज का प्राइसिंग निकल के आता है। तो भाई, मैंने जब गूगल पर सर्च किया, भाई इस वीडियो बनाने से पहले भी मुझे उसका प्राइस नहीं पता था, दोनों में से एक भी कार का प्राइस नहीं पता था। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 25 से 30 लाख रुपए की प्राइस होगी, बट जब मैंने उसका प्राइस सर्च किया, भाई इसे देखकर मैं भी शॉकिंग हो गया। तो अब चलते हैं सीधे ही हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पेक्स कंपैरिजन का, और बाद में देखते हैं कि कौन सी कार बेस्ट हो सकती है। तो अगर दोनों के स्पेक्स को देखा जाए तो दोनों ही डीजल वेरिएंट्स में अवेलेबल है, दोनों में कोई भी पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जो कि हैरियर के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देने वाली बात है। बाकी XUV 500 में तो भाई डीजल वेरिएंट ही अच्छा रहेगा। बाकी दोनों के इंजन की बात करें तो XUV 500 में 2180 सीसी का इंजन है, जबकि हैरियर में 1950 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो इंजन के मामले में XUV 500 थोड़ी आगे है। दोनों में ही 4 सिलेंडर इंजन है। जो 500 है XUV 500 वो 153 BHP का पावर प्रोडक्शन करता है, जबकि हैरियर 168 BHP का पावर प्रोडक्शन करता है। टॉर्क की बात करें तो दोनों का टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है, जो कि XUV 500 का टॉर्क है 360 नैनोमीटर, जबकि हैरियर का टॉर्क है 350 नैनोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। दोनों ही 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। बाकी दोनों का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको एक प्रीमियम फील देने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों ही BS6 के साथ आती है। ऐसे में एक जो बड़ा फर्क है, जो कि XUV 500 है 7 सीटर, जबकि हैरियर है 5 सीटर। हैरियर में भी अगर फ्यूचर में कोई 7 सीटर ऑप्शन आता है तो ये सबसे अच्छा रहेगा, बाकी 5 सीटर भी काफ़ी अच्छा है। दोनों के अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी टॉप ऑफ द नॉच है। ऐसे में टाटा की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है, जबकि महिंद्रा की भी भाई बिल्ड क्वालिटी तो इंडियन कार्स में आपको पता ही है कि कैसी होती है। दोनों में 2 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी टॉप वेरिएंट्स में अलग अलग एयरबैग्स का ऑप्शन है। हैरियर के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हैरियर के कुछ अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, बाकी सेफ्टी के लिए दोनों में ही ABS भी लगा हुआ है। तो ये तो हो गए दोनों के फीचर्स। तो अब बात करते हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो अब हमने दोनों ही कार के स्पेक्स को जो है एक तरीके से कंपेयर कर लिया है। तो भाई, मैं स्पेक्स में इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ,
वो क्योंकि स्पेक्स जो है वो ऐसे ही घुमाकर फिराकर बोला जाता है, बाकी स्पेक्स में इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। तो अगर मेरे ओपिनियन से बताया जाए कि कौन सी कार बेस्ट है, तो यहाँ मैं बोलूंगा कि दोनों ही कार अपनी तरीके से बेस्ट है, बट ऑल द बेस्ट निकल के आती है टाटा हैरियर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है इसलिए बेस्ट है, टाटा हैरियर एक तो बेस्ट है ही, थोड़ा ज्यादा पेड करना पड़ता है, बट टाटा हैरियर में जो मॉडर्न फीचर्स है वो XUV 500 में नहीं है। टाटा हैरियर के कई वेरिएंट्स में भाई सनरूफ ऐसे सब भी ऑप्शंस आते हैं जो कि XUV 500 में इतने ज्यादा अच्छे वाले फीचर नहीं है। बट अगर आपकी जरूरत है 7 सीटर की, तो मैंने कल एक वीडियो में बोला था कि MG Hector 7 सीटर है, अगर आपको चाइनीज कार नहीं लेनी है तो आप MG Hector को ना लेकर दूसरी कार को ले सकते हैं। तो अगर 7 सीटर लेनी है और अगर आपका बजट 10 से 12 लाख रुपए तक का भी है, तो थोड़ा और बजट को बढ़ाकर 13 लाख रुपए में MG Hector की जगह XUV 500 को ले लीजिए। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, दोनों ही कार्स की बात कर रहा हूँ, दोनों ही कार्स की बिल्ड क्वालिटी टॉप ऑफ द नॉच है। सेफ्टी प्रोडक्शन भाई टाटा का ऑलवेज बेस्ट है, बट महिंद्रा का वही बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है और एयरबैग का भी ऑप्शन है, तो भाई महिंद्रा की भी सेफ्टी काफी अच्छी है। ऐसे में दोनों ही कार बेस्ट है। अगर आपको 5 सीटर की जरूरत है तो भाई सिर्फ टाटा हैरियर की तरफ ही जाए, बट अगर 7 सीटर की जरूरत है और आपको चाहिए कि 7 सीटर होनी चाहिए हमारी कार, तो महिंद्रा XUV 500 भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे में भाई आपके ऊपर रखता है ओपिनियन कि आपको कौन सी कार लेनी है। ये तो भाई मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, बाकी मैं भी कोई ऐसा बड़ा वाला ऑटोमोटिव एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे जहां तक नॉलेज होता है उतना नॉलेज मैं आपको वीडियो में दे देता हूँ। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले आपको पता ही है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, अगर ऐसे नॉलेज दूसरे किसी को देना है तो वीडियो को शेयर कर देना है, अगर बुरा भी लगे तो भी भाई डिसलाइक करके नीचे कमेंट में लिख देना है क्या चीज अच्छी नहीं लगी। और इस बार वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, 2-3 दिनों से वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब आ रही थी, बाकी भाई कोई भी ऐसा वीडियो सजेशन है तो नीचे कमेंट में लिखकर चले जाइए और आपको कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।